कृष्णा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हरे कृष्णा, मैं संगीता आप सभी का कृष्णा भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूं। बच्चों पर ममता और स्नेह से जुड़ा लोक पर्व है बज बरस। गाय और बछड़े की पूजा के बाद कहानी अवश्य सुनी जाती है। बच बरस की कहानी एक। कई साल पुरानी बात है, एक साहूकार था। इसके 7 बेटे और कई पोते थे। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। साहूकार ने गांव में एक तालाब बनाया था, लेकिन उसमें पानी नहीं आया। वह चिंता में रहने लगा। साहूकार ने पंडितों से उपाय पूछा। पंडितों ने बताया कि तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते में से एक की बलि दे दो तो पानी आ सकता है। साहूकार ने सोचा किसी भी प्रकार से गांव का भला होना चाहिए। साहूकार ने बहाने से बहू को एक पोते हंसराज के साथ पियर भेज दिया और एक पोते को अपने पास रख लिया, जिसका नाम बचराज था। बचराज की बलि दे दी गई। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पानी से पूरा भर गया। साहूकार ने तालाब पर बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन झिझक के कारण बहू को बुलावा नहीं भेज पाए। बहू के भाई ने कहा, तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव है, तुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। बहू बोली, बहुत से काम होते हैं इसलिए भूल गए होंगे, अपने घर जाने में कैसी शर्म, मैं भी चलती हूँ। घर पहुंची तो सास ससुर डरने लगे कि बहू को क्या जवाब देंगे। फिर भी सास बोली, बहू चलो बज बरस की पूजा करने तालाब पर चले। दोनों ने जाकर पूजा की। साहूकार साहूकारनी मनी मन बज बरस माता के प्रार्थना करने लगे कि हे माता, हमारी लाज रखना, बहू को उसका बेटा कहाँ से देंगे। सास बोली, बहू तालाब के किनार खंडित करो। बहू बोली, मेरे तो हंसराज और बचराज है, मैं खंडित क्यों करूं। सास बोली, जैसा मैं कहूँ वैसा करूं। बहू ने सास की बात मानते हुए तालाब और गाय की पूजा कर तालाब का किनारा खंडित कर कहा, आओ मेरे हंसराज बचराज लड्डू उठाओ। भगवान की कृपा हुई, तालाब की मिट्टी में लिपटा बचराज व हंसराज दोनों दौड़े आए। बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है। सास ने बहू को सारी बात बताई और कहा, भगवान ने मेरा साथ रखा है, इसलिए बच बरस की पूजा में महिलाएं गाय के गोबर से तालाब बनाकर पूजा कर किनारा खंडित कर उस पर लड्डू रखकर अपने बेटे से उठवाती हैं। हे बच बरस माता, जैसे साहूकार साहूकारनी की लाज रखी वैसे सबकी रखना। बच बरस की कहानी दो। एक सास बहू थी। सास को गाय चराने के लिए वन में जाना था। उसने बहू से कहा, आज बज बरस है, मैं वन जा रही हूँ, तो तुम गेहूं लेकर पका लेना और धान लाकर उछेड़ लेना। बहू काम में व्यस्त थी, उसने ध्यान से सुनी नहीं। उसे लगा सास ने कहा गेहूला धानुला को पका लेना। गेहूला और धानुला गाय के दो बछड़े के नाम थे। बहू को कुछ गलत तो लग रहा था, लेकिन उसने सास का कहा मानते हुए बछड़े को काट कर पकने के लिए चढ़ा दिया। सास ने लौटने पर कहा, आज बज बरस है, बछड़ों को छोड़ो, पहले गाय की पूजा कर लो। बहू डरने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी और बोली, हे भगवान मेरी लाज रखना, विनती सुन बज बरस माता को उसके भोलेपन पर दया आ गई। हांडी में से जीवित बछड़ा बाहर निकल आया। सास के पूछने पर बहू ने सारी घटना सुना दी।
और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा बछड़े को फिर से जीवित कर दिया, इसलिए बच बरस के दिन गेहूं नहीं खाए जाते और कटी हुई चीजें नहीं खाते हैं। गाय बछड़े की पूजा करते हैं। कोटी की खरी अधूरी की पूरी, हे बच बरस माता, जैसे बहू की लाज रखी वैसे सबकी रखना। बच बरस माता की जय, गौ माता की जय। हर व्रत में कहानियां सुनने के बाद गणेश जी की कहानी अवश्य सुनी जाती है। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाते मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे, तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। व्रत त्योहार, धर्म से जुड़े वीडियोस और लड्डू गोपाल सेवा भक्ति रिलेटेड वीडियोस, रुचि रुचि भोग रेसिपीज के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अपने परिवारजन मित्रों से जरूर शेयर करें और पुण्य की प्राप्ति करें। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में। राधे राधे।